और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है अंबाला से, जहां पर एक्शन मोड में है परिवहन मंत्री अनिल विज। अंबाला से ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, अंबाला कैंट के बस स्टैंड पर निरीक्षण किया गया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बस स्टैंड रिपेयर करने के लिए 92.37 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। बस स्टैंड के ढांचागत सुधार होगा और बस स्टैंड में ढांचागत सुधार को आगे बढ़ाया जाएगा, यह बात परिवहन मंत्री अनिल विज ने कही है। तो मंत्री बनने के साथ ही आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक्शन मोड में अनिल विज नजर आ रहे हैं, और खासतौर से परिवहन विभाग को लेकर के लगातार बस स्टैंड का निरीक्षण भी हो रहा है, बसों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं। और आज बस स्टैंड रिपेयर के लिए 92.37 लाख रुपए की मंजूरी हुई है, जिसमें ढांचागत विकास शामिल है, यानी कि बस स्टैंड में बड़े पैमाने पर अब आपको दिखेगा कि जो परिवर्तन है वो होगा। और ढांचागत विकास कार्य में 92.37 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे, क्योंकि इसकी मंजूरी दे दी गई है। अंबाला कैंट बस स्टैंड का निरीक्षण आज परिवहन मंत्री अनिल विज के द्वारा किया गया है। तो बस स्टैंड के रिपेयर के लिए 92.37 लाख रुपए की मंजूरी हुई है। बस स्टैंड में ढांचागत सुधार किया जाएगा, अनिल विज ने यह बात कही है। और बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए अनिल विज के द्वारा ये बातें कही गई हैं। तो लगातार एक्शन मोड में है परिवहन मंत्री अनिल विज, विकास कार्यों को देख रहे हैं, जमीन पर परख रहे हैं, परिवहन मंत्री होने के नाते बसों की जो स्थितियां हैं उनको देख रहे हैं, बस स्टैंड पर जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं कि अनिल विज के द्वारा इसी तरह से कार्य करते हुए जो सुधार के कार्य हैं वो भी किए जा रहे हैं। और उसी कड़ी में आज एक बार फिर से अंबाला कैंट का ये बस स्टैंड है, जहां पर अनिल विज ने निरीक्षण किया है, और यहां पर ढांचागत विकास के लिए 92.37 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, और इसके जरिए इसमें ढांचागत सुधार किया जाएगा अंबाला कैंट बस स्टेशन पर, यानी कि यहां पर जो बड़ी समस्याएं हैं अब उनका निदान होगा। इसके लिए पैसे भी आपको बता दें जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है बस स्टैंड के सही रखरखाव के लिए ढांचागत जो सुधार कार्य हैं वो किए जाएंगे।